गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? जिसमें करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों ही होती हैं, और ये वाइडर टर्म है सिलेबस से। सो करिकुलम जब बनाया जाता है तो अज्यूम किया जाता है कि बच्चे को जो है क्या क्या पहले से आता होगा, किस किस चीज़ की जो है उसे नॉलेज होगी। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के जब सम करवाते हैं बच्चों को, तो उनको जो है डिजिट्स के बारे में पता होता है, 1, 2, 3 इन सब के बारे में नॉलेज होती है, तब जाके जो है उन्हें सिखाए जाते हैं सम्स। तो इसी तरीके से करिकुलम जब बनाया जाता है उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि इस एज लेवल ग्रुप के इंटरेस्ट क्या हैं, इनके जो है पोटेंशियल कितनी है, कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम बनाया जाता है। तो आगे इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? अ फ्रेमवर्क ऑफ अज्यूम्शंस अबाउट द लर्नर एंड द सोसाइटी सच एज लर्नर्स कैपेसिटी एंड एबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर लर्निंग। यही जो मैंने अभी बताया कि वो क्या देखते हैं कि बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, उसका कितना पोटेंशियल है, एबिलिटी है, उसको कैसे मोटिवेट किया जा सके, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जो एक एज लेवल ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो मोस्टली सेम होते हैं। उनकी डिवेलपमेंट के लिए, उनको नर्चर करने के लिए ये जो है कॉम्पोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो है करिकुलम बनाया जाता है। सबसे पहला कॉम्पोनेंट यही है कि बच्चे की कैपेसिटी को देख के, इंटरेस्ट को देख के जो है करिकुलम बनाया जाता है। फिर आते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमें क्यों एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो उनके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं हमारी जो रीजनिंग है वो अच्छी हो, साइंस पढ़ते हैं लॉजिक जो है हमें आए, और एसएसटी पढ़ते हैं कि हमें जो है मॉरल वैल्यूज़ आएँ। तो इसी तरीके से सभी जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं उनके कोई ना कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम्स क्या होते हैं? जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा करिकुलम बनाया जाता है उसके ये कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और लर्नर की कैपेसिटी। नेक्स्ट है कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर विल सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट एंड लर्नड, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स सीक्वेंस। इसमें क्या देखा जाता है? पहले सिलेक्ट किए जाते हैं टॉपिक, फिर उनका सीक्वेंस भी देखा जाता है। अगर हम जो है देखें, एग्जांपल लेते हैं कि मैं पहले मीनिंग ना करवाऊँ, ना इंट्रोडक्शन करवाऊँ, ना डेफिनेशन, तो सीधे करेक्टरिस्टिक करवाने स्टार्ट कर दूँ, तो कई बार ऐसा होता है बच्चों को कम समझ में आता है ना। तो आपने एक सिलेबस भी देखा होगा तो उसमें सबसे पहले मीनिंग, कंसेप्ट ये सब दिया होता है ना। तो इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे को पहले उस कंटेंट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तभी वो उसके बारे में लिख पाएगा। तो इसीलिए सीक्वेंस वाइज जो है सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड इंक्लूड्स मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है कि देखे जाते हैं टीचर कौन से मेथड से पढ़ाए। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, तो इसमें टीचर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सिखाता है। और इसमें फिर क्या देखा जाता है कि हमारा आउटकम क्या हुआ और क्या क्या मटेरियल चाहिए स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स। मतलब कि ये सब हम क्यों करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों करते हैं? ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो फिर क्या करना होता है लास्ट में? हमें बच्चों को इवेल्युएट करना होता है, बच्चों को असेस करना होता है। तो इसी तरीके से कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि बच्चों को हम क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें। जैसे कि हम रैंकिंग निकालते हैं ना कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये सब निकालते हैं ना, तो ये क्या हो गया? इवेल्युएट करना हो गया। इस तरीके से हम बच्चों को इवेल्युएट करते हैं। तो ये थे हमारे कॉम्पोनेंट्स। क्या क्या कॉम्पोनेंट्स थे? कि बच्चे की एबिलिटी पता होनी चाहिए, एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम पढ़ाने के ये पता होने चाहिए कि सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, मेथड्स क्या टीचर यूज़ करें, और उसके बाद क्या है टेक्निक्स, मतलब कि टीचर जो है इवेल्युएट करेगा, किस टेक्निक से इवेल्युएट करें स्टूडेंट्स को, वो सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सो आज हमने कॉम्पोनेंट्स किए करिकुलम के। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।